नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए छोटी बड़ी हर प्रकार की सरकारी नौकरी की खबर सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो प्लांट की तरफ से एक बड़ी नोटिफिकेशन आ रही है। टेक्नीशियंस और अटेंडेंट्स के लिए यहां पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों, लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है, इसको हमने समराइज कर दिया है एक सिंगल पेज में। आइए हम वहां पर जाकर के पूरे प्रोसीजर को समझ लेते हैं सर, और उसके बाद हम वापस इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे और उसके बाद बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए होंगे उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से एक बार पढ़ लें। हालांकि हम मेन मेन पॉइंट्स आपको यहां पर डिस्कस करके बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल के नाम से ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, और बोकारो का जो इसका प्लांट है वहां की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है। तीन प्रकार की टोटल यहां पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा 302 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 8 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 153 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये तीन प्रकार की टोटल वैकेंसीज हैं दोस्तों, जिनका जो सम हो जाता है वो 463 हो जाता है। तो 463 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब पहले थोड़ा हिस्ट्री से इसका लिंक देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सिर्फ 2017 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2017 के अलावा ये वैकेंसीज की जो संख्या है ये बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। 2017 में इससे भी कम थी, लेकिन इसके अलावा जितने भी साल गए हैं उन सभी में 500 से ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं, मगर इस साल पता नहीं किस कारण से ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ घटा दी गई हैं। तो टोटल 463 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कंसर्न फील्ड से डिप्लोमा। अभी हम उसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। इसके अलावा अगर आपने 10वीं के साथ ट्रेड टेस्ट या फिर अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है कंसर्न फील्ड से तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है दोस्तों। एज लिमिट को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 28 साल की एज लिमिट रखी गई है, और ये एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई एज लिमिट है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एज में पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार सभी कैटेगरीज के लिए एज में छूट दी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए भी 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस पूरी नोटिफिकेशन का। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, उसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। उसकी भी डिटेल अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखेंगे। और इसमें मिनिमम आपको 50% स्कोर करना है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। हालांकि अगर आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये परसेंटेज घटा करके 40% कर दी जाती है। इसके अलावा एक स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। इस रिटन टेस्ट को क्लियर करने के बाद ये स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन इसका फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पर ही बनाई जाएगी, मगर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट क्लियर करना मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर कुछ कैंडिडेट इस स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं और उन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो भी वो मेरिट लिस्ट में उनको फिर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये मान लीजिए दोस्तों कि ये स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर के नज़रिए से नहीं, लेकिन एक एलिजिबल कंडीशन के तौर पर आप इसको मान सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी पोस्ट 1 और 2 के लिए, पोस्ट 1 और 2 कौन सी है? ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, जो यहाँ पर
सैलरी रखी गई है वो 16,800 से 24,110 रुपए का पे स्केल की स्लैब रखी गई है और इसमें अलाउंसेस अलग से होंगे। हालांकि ये आपको फर्स्ट डे से मिलने वाली सैलरी नहीं होगी, ट्रेनिंग पीरियड अभी शुरुआत में चलता है और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर पे स्केल अलग रखा गया है, उसकी जानकारी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दी जाएगी। इसके अलावा पोस्ट 3 की बात की जाए जो कि अटेंडेंट की वैकेंसी है, उसके लिए आपको 15,830 से लेकर के 22,150 रुपये की सैलरी दी जाएगी, अलाउंसेस अलग से होंगे। और इसमें भी ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है और या फिर प्रोबेशन पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान आपको सैलरी अलग दी जाएगी। जॉब नेचर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी जॉब है ये, परमानेंट ये जॉब है दोस्तों, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या टेम्परेरी ये जॉब नहीं है। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझने हैं। सबसे पहला तो इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग पीरियड क्लियर ना कर पाने की स्थिति में भी कई कैंडिडेट्स, अप्रॉक्सीमेटली हर साल 10% कैंडिडेट्स ट्रेनिंग पीरियड से भी बाहर हो जाते हैं। तो एक तो ट्रेनिंग पीरियड को आपको बहुत अच्छे से निकालना है, दूसरा यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी है कुछ वैकेंसीज के लिए, उस केस में आपको प्रोबेशन पीरियड भी अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, हालांकि उसमें जनरली बाहर नहीं किया जाता लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड को अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं मिलती है तो ये पीरियड भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 20 सितंबर 2019 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 11 अक्टूबर 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट 1 और 2 के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है और पोस्ट 3 के लिए यानी कि जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पर अटेंडेंट के लिए, उसके लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। www.sale.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप इसको रेगुलर विजिट करते रहें। किसी भी प्रकार की ताज़ा अपडेट या जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं, आप कभी भी रूमर्स पर यकीन ना करें। कोई और वेबसाइट के माध्यम से अगर आपको कोई इसके बारे में खबर मिल रही है तो आप तब तक यकीन ना करें जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पर उस आर्टिकल या फिर उस नोटिस को नहीं पढ़ लेते। तो बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करने के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही रेगुलर विजिट करते रहें और आपको वहीं से सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं ज़रा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 20 सितंबर 2019 को जारी की गई है। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई, जो 302 वैकेंसीज निकाली गई हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा मेटलर्जी के लिए 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा मैकेनिकल के लिए 80, इलेक्ट्रिकल के लिए 80, केमिकल के लिए 10, सेरेमिक के लिए 10 और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 22 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 302 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 8 वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें से 3 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी AIEEE के लिए 153 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन 153 वैकेंसीज में से 62 वैकेंसीज अनरिजर्व वैकेंसीज हैं। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया ये 28 साल 30 साल और 28 साल है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा मैं बताना आपको उस वक्त भूल गया था, ये जो एज कैलकुलेट की जाएगी ये 11 अक्टूबर 2019 जो कि क्लोजिंग डेट है वहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। और इसके अलावा एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो अगर आपने मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, सेरेमिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए मेट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा और साथ में फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉयलर का आपके पास। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए मेट्रिकुलेशन के साथ साथ अगर आपने ट्रेड टेस्ट NCVT का क्लियर किया हुआ है या फिर आपने अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया। ये यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड आपको मैच करना होगा मिनिमम
और ये भी कोई एलिजिबल कंडीशन के तौर पर ही माने आप इसको, 155 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 143 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए महिलाओं के केस में, कम से कम 45 किलो वजन होना चाहिए मेल के केस में और 35 किलो वजन महिलाओं के केस में। ये इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक कई बार लक फैक्टर के दौरान ये एक बहुत बड़ी चीज़ प्ले कर सकती है, तो इसीलिए इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया 50% और 40% का क्राइटेरिया रखा गया अनरिजर्व और बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अब रिटर्न एग्ज़ाम का जो यहाँ पर डिटेल दिया गया, देखिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है जिसके लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। OCET के लिए जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं, उसके अलावा जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 15 और डिप्लोमा की आपकी ब्रांच के रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल इंग्लिश है इसमें लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था तो इसमें से तकरीबन 40% क्वेश्चंस जो थे जनरल इंग्लिश के वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थे। तो अगर आपकी वोकेबलरी थोड़ी वीक है तो दोस्तों उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि यहाँ पर वोकेबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बॉयलर और टेक्नीशियन दोनों ही वैकेंसीज में ये एग्ज़ाम में इंग्लिश वाला पार्ट होता है, तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके अलावा बॉयलर वाले केस में जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के फिर 15 क्वेश्चन और बॉयलर के रिलेटेड ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50। और ACET के लिए जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसके लिए अलग से आपको तैयारी करनी होगी, और ऐसा नहीं होता कि ये बहुत जल्दी कर दें, इसके लिए ट्रिक आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए विशेष तौर पर आप इस चीज़ की ट्रेनिंग लें इस प्रकार के क्वेश्चंस की, क्योंकि कंपटीशन लेवल दोस्तों काफ़ी हाई हो गया है आजकल। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, एक मार्क्स आपको दिया जाएगा आंसर सही होने पर। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी के लिए बताया गया है, और सीरियल नंबर 2 पर जो वैकेंसी है उसके लिए प्रोबेशन पीरियड बताया गया है 1 साल का, और जो सीरियल नंबर 3 की वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये यहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर मेंशन की गई है, 10,700 फर्स्ट ईयर में और 12,200 सेकंड ईयर में यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके बाद आप पेरोल पर आ जाएंगे और फिर आपकी वही सैलरी हो जाएगी जो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस जॉब से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम किया जा सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए। तो इस वैकेंसी में बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए ऑल द बेस्ट।